राम राम भाई दोस्तों। दोस्तों अपनी जिमनी को लिए 4 महीने के आसपास का टाइम हो गया है और 4 महीने में करीब 5,000 किलोमीटर के आसपास हमने चला दिए। और 5,000 किलोमीटर में एक हमारा लद्दाख का ट्रिप शामिल था जिसमें 3,000 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली तो वहाँ पर चली थी, और उसके बाद हमारी 2,000 के आसपास सिटी में और हाईवे ड्राइव शामिल है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं कंप्लीट आपको जिमनी का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा कि क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू स्काई, वेलकम टू सचिन कौशिक यूट्यूब। दोस्तों अब तक जितने भी रिव्यू हमने देखे हैं, मैंने देखे हैं, आपने देखे हैं, यूट्यूब पर देखे हैं, तो ज़्यादातर रिव्यू उन लोगों ने बनाए हैं जिनके पास जिमनी है ही नहीं। कोई कहता है साइज़ में भीड़ी है, पतली है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई यूँ कहता है कि ऐसी लगती है, कोई कहता है वैसी लगती है। सबसे पहले तो आप देख लो भाई लगती कैसी है। इसमें मॉडिफिकेशन में हमने एक्सटीरियर में सिर्फ टायर चेंज किए हैं अब तक, और एक ये रूफटॉप कैरियर लगाया है। इसके अलावा इसमें अभी तक हमने कुछ नहीं किया है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन ये है भाई कि मैंने जिमनी ही क्यों ली। सबसे पहली बात तो चॉइस भाई, जब से ये इंडिया में नहीं आती थी, 3-डोर वर्जन बाहर आता था, मुझे जब ही से पसंद थी, इंतज़ार कर रहा था कि कब आएगी कब नहीं। लकीली आ गई, 5-डोर में आई, अच्छी बात है, तो पसंद थी इसीलिए ली। दूसरा था कि मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ भाई, यहाँ पर डीजल गाड़ियों की लाइफ 10 साल है, पेट्रोल की 15 साल है, उसमें भी नए नए रूल आते रहते हैं भाई। जैसे अभी जो डीजल गाड़ियाँ BS4 थी वो बैन कर दी भाई, चाहे वो अपनी 2019 का मॉडल लो, 4 साल पुरानी हो तो भी बैन है वो पोल्यूशन की वजह से। तो भाई पेट्रोल गाड़ी लेनी थी अपनी और ऑटोमेटिक लेनी थी, तो उसमें मुझे जिमनी सूट कर रही थी, तो इसलिए एक ये कारण था कि मैंने जिमनी ली। तो भैया अभी शुरू करते हैं बात पॉजिटिव और इसके नेगेटिव, क्या इसमें पॉइंट्स हैं, क्या इसके रिव्यू हैं, क्या परफॉर्मेंस है। तो भाई पॉजिटिव रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है इसके माइलेज की। माइलेज में इसकी माइलेज जो मुझे स्टॉक टायर के साथ मिल रही थी वो सिटी में 11 से 12 थी और हाईवे पे 15 के आसपास, 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर पड़ जाती थी। टायर सबको पता है पतले थे, अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने चेंज करा लिए 235/75/15 के। अब टायर चेंज कराने के बाद जो अपनी एवरेज निकल के आ रही है वो सिटी में तो मुझे मिल रही है 8 के आसपास की, और हाईवे पे 13 से 13.5 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की इसकी एवरेज मिल जाती है, जो इस बजट की 4x4 पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी है उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छी है भाई। थार की बात कर रहे हैं हम, उसके कंपैरिजन में माइलेज काफ़ी अच्छी है। स्टॉक टायर के साथ मैंने जो सुने हैं रिव्यू उसमें ऑटोमेटिक की 7 से 8 की एवरेज है, तो इसमें तो स्टॉक टायर के साथ 12 के आसपास की एवरेज मिल जाती थी हमें भाई। अपग्रेडेशन का तो ऐसा है टायर कितने भी बड़ी कर लो उतना ही एवरेज पर फ़र्क पड़ता रहेगा। अच्छा दूसरी चीज़, दूसरा पॉजिटिव रिव्यू, सेकेंड जो पॉजिटिव रिव्यू है इसका वो है इसका 5-डोर होना। ये देखिए दोस्तों अब 5वां डोर होने से हम इजी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें बैठना और बाहर निकलना बहुत इजी है। दूसरी जो अपनी थार है उसमें ये सुविधा नहीं है भाई, 5-डोर है, आने वाली है, कब आएगी कुछ नहीं पता, कई साल हो गए, कई साल से सुन रहे हैं, टेस्टिंग पे ही चल रही है, अब कब आएगी कब नहीं इंतज़ार मैं भी कर रहा हूँ 5-डोर का। तो भाई उसके बाद इजी एक्सेस और इजी हमारा इन एंड आउट। तीसरा पॉजिटिव रिव्यू, साइज छोटा होने के बाद भी देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो तीसरा इसका पॉजिटिव रिव्यू है दोस्तों, साइज छोटा होने के बाद भी केबिन स्पेस अंदर अच्छा है। ये देखिए दोस्तों केबिन स्पेस काफी है, केबिन स्पेस 2 आदमी आगे और 2 आदमी अपन पीछे इजीली बैठ सकते हैं। दोस्तों एक पॉजिटिव जो इसका है रिव्यू, 6 एयरबैग का, अब इसमें 6 एयरबैग्स हैं जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये भी एक रीज़न बनता है गाड़ी को खरीदने का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डिक्की के स्पेस की। डिक्की में स्पेस भी अच्छा खासा है, 2 आदमियों का 2-3 दिन का सामान आराम से इजीली रख सकते हैं, 3-4 बैग मीडियम साइज के बैग आराम से रख सकते हैं हम। उसके बाद अगर ज़्यादा सामान है सीट फोल्ड करके 2 आदमियों के साथ आराम से कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं लद्दाख ट्रिप पे मैं और छोटा भाई गए थे, राहुल गए थे,
वो वीडियो आपने ना देखी हो तो आप वो भी वीडियो देख लें, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। दोस्तों इसको लेने का एक और कारण भी है, जो मेन कारण है मेरे लिए, कैंपिंग। इसकी जो फ्रंट की सीट है वो 180 डिग्री पे डाउन हो जाती है, जिससे कि एक बेड बन जाता है। तो कैंपिंग का एक मैंने सेटअप बहुत बढ़िया बेड बनाया हुआ है, जिसमें हम दो लोग आराम से इसमें सो सकते हैं, इजीली कैंपिंग कर सकते हैं, जिसका भी एक प्रॉपर वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है मेरे चैनल पर, आप चाहें तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। बाकी जो अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, इसमें जो कंप्लीट बेड का सेटअप है वो भी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको सारे पॉजिटिव रिव्यू बता दिए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी नेगेटिविटी। जो छोटे मोटे नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डोर पॉकेट, ये देखिए दोस्तों ये है इसकी डोर पॉकेट। एक छोटा सा मैंने ग्लास क्लीनर रखा हुआ है, पर्स है जिसको निकालने के लिए भी बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ती है, ये देखिए दोस्तों कुछ नहीं आता इसमें। सामान रखने की कितनी जगह है देख लो भाई, मोबाइल रखने के लिए भी ये अलग से होल्डर लगवाया हुआ है जिसकी दोनों तरफ पॉकेट है। यहाँ देखो सिर्फ पूरी गाड़ी में बोतल रखने के लिए भाई ये दो जगह है, या तो बोतल रख लो या एक ऐसा छोटा मोटा सामान रखने के लिए बिन रख लो। तो ये एक मेन कमी है कि सामान अंदर रखने के लिए बहुत कम जगह है। अब दूसरा इसका नेगेटिव रिव्यू है भैया स्टॉक टायर। अब जब सबको पता है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये चीज़ें तो R&D में पहले भी पता लग जाती हैं कि भैया इसका क्या टायर साइज़ है और कैसा लग रहा है, तो वो भी मारुति को उस पर काम करना चाहिए था। टायर साइज़ कम से कम ऐसा तो देते कि चेंज कराने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों पावर की बात करते हैं, पावर लैग फील होता है, ठीक बात है, हाईवे पे ओवरटेकिंग के टाइम पे फील होता है, 100 की स्पीड के बाद भी फील होता है, या जैसे अपन पहाड़ों पे चल रहे हैं तो भी कभी कभी फील हो जाता है। लेकिन भैया अगर माइलेज चाहिए तो वो कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी कभी करना ही पड़ेगा अपने को, कभी कभी ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम वो ओवरटेक नहीं करते हैं। और दूसरा 1500 cc के हिसाब से तो दोस्तों पावर ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत कम पावर है या है, थोड़ा बहुत है, लैक है, पर ठीक है 1500 cc के हिसाब से इंजन में पावर बढ़िया है। दोस्तों फिर अगर हम बात करते हैं कंफर्ट की, तो भाई 17 लाख रुपए में कंफर्ट के नाम पे एक आर्मरेस्ट तो मिल ही सकता था, यहाँ पर एक आर्मरेस्ट तो लगा ही सकते थे। ये सब चीज़ें एक्सेसरीज के रूप में आती हैं, एक्सेसरीज अवेलेबल है सब चीज़ों की, पर कंपनी को भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए भाई। एक आर्मरेस्ट होता तो चलाने में ईजी रहता है गाड़ी को। अब बात करते हैं सीट कंफर्ट की, तो भाई आगे की सीट तो दो आदमियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लंबे रूट पे हमने 1000 किलोमीटर एक दिन में लगाई है गाड़ी, चलाई है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया थी, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब चलते हैं पिछली सीट पर, पिछली सीट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों पिछली सीट पर बैठा हूँ मैं। अब कंपनी कहती है कि ये 4 सीटर गाड़ी है, 4 सीटर है ठीक है मान लिया भाई, लेकिन 4 सीटर का जो कम्फर्ट है ना वो सिर्फ सिटी तक ही है। दो आदमी बड़े और दो आदमी जो पीछे हैं, दो लोग बड़े और मतलब एडल्ट 4 लोग सिर्फ सिटी में ही बैठ सकते हैं घंटे आधे घंटे के लिए। उसके बाद अगर अपन बात करें लॉन्ग ड्राइव की, तो भाई पीछे तो सिर्फ 2, आगे एडल्ट के साथ, पीछे वाली सीट पे सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, अदरवाइज परेशान होने वाली बात है। ये तो है नेगेटिव चीज़ें। तो दोस्तों बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस तो यार इसकी बड़ी लाजवाब सी है। माइलेज का मैंने आपको सारा बता दिया, बढ़िया है। अभी 3000 किलोमीटर में लद्दाख पे चला के आया था, लद्दाख में चला के आया था इसको, जहाँ पर माइनस भी टेम्परेचर माइनस में भी था और एल्टीट्यूड भी 18000+ पे पहुँच गए थे, 18500 फीट के आसपास का एल्टीट्यूड था। बड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, 4 हाई 4 लो, 4x2 सब कुछ यूज किया था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। एक दो जगह गाड़ी फंसी भी, लेकिन 4x4 लो में इतने प्यार से गाड़ी निकल जाती है, मज़ा आता है चलाने में। तो भाई परफॉर्मेंस की तरफ से तो आप निश्चिंत रहिए, साथ ही में मैं एक दो क्लिप भी लगा रहा हूँ आपको 4x2 में, थोड़ा मोमेंटम के साथ जैसे ही मैं जिमनी इसमें ले करके जा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों यहाँ पर अपनी जिमनी 4x2 में फंस गई थी, रेत काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, टायर काफ़ी फंस गए थे, दूर से आपको नहीं दिख पा रहा हो तो मैं अभी नज़दीक से दिखा देता हूँ। दोस्तों एक बार अब इस एंगल से आप देखो, जो मेरे डैश कैम ने शूट किया है कि गाड़ी जब फंसी थी तो कितना अंदर तक हम चले गए थे, यहाँ जा करके गाड़ी रुक गई थी, 4x2 में बिल्कुल जाम हो गई थी गाड़ी। हमने 4x4 लो में लगाया और 4x4 लगाते ही लो जैसे नाइफ चलता है केक पर,
उस तरीके से, जबरदस्त तरीके से हमारी गाड़ी बाहर निकल। पर गाड़ी बड़ी भैया है भाई, परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया, लाजवाब। लेकिन अगर आप सारी चीजों की ओवरऑल बात करें, लुक देख ले, जो इसकी रोड प्रेजेंस देख ले और परफॉर्मेंस देख ले, तो सारी चीजों में ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया है भाई, नो डाउट बहुत बढ़िया गाड़ी है। और भाई बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि क्या जिमनी को हम एज ए प्राइमरी कार यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मैं इसे एज ए प्राइमरी कार ही यूज कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। और जैसे भाई साइज सबको पता है, थोड़ा सा पतला है तो कहीं से भी बड़े प्यार से भी निकल जाती है। हर चीज़ की मेरिट और डीमेरिट दोनों होती है भाई, तो पतला होने की मेरिट भी है, कहीं से भी निकल जाती है, प्राइमरी कार रख सकते हैं। तो भाई अगर इसके प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें, तो 17 लाख की मुझे ये गाड़ी पड़ी थी। लोग कहते हैं कि ओवर प्राइज है, लाख रुपये ओवर प्राइज है, 2 लाख रुपये सस्ती होती तो अच्छा था। उस टाइम तो क्या था भाई, एक्सेसरीज़ की भी जिद थी शोरूम वालों की कि 50,000 की एक्सेसरीज़ खरीदो, 60 की एक्सेसरीज़ खरीदो जब गाड़ी डिलीवर होगी। अभी तो क्या है, 1 लाख का, कहीं कहीं 1.25 लाख का, 1.5 लाख का भी मैंने सुना है डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी जो ओवर प्राइस वाला इशू है वो तो मुझे लगता है कि ख़त्म हो गया है डिस्काउंट के साथ। तो एंड ऑफ द वीडियो, गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं भाई, मेरा पर्सनल रिव्यू ये है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, शानदार गाड़ी है। अगर किसी को पसंद आती है, पहली बात तो चॉइस का ही मैटर है, अगर पसंद आती है तो गाड़ी ज़रूर ले लेनी चाहिए भाई। परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है भाई। और लुक वाइज भी थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छी हो जाएगी। और जैसे कि आप देख रहे हो, गाड़ी अपनी ठीक हो गई है, अच्छी लग रही है, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं गाड़ी अच्छी लग रही है। और अभी इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशंस भी करानी है, तो स्टेज 2 की मॉडिफिकेशंस हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिनके प्रॉपर वीडियो मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूँ, ताकि आपको भी दिखाई दे, पता लगे क्या क्या काम हुआ है, कैसी कैसी उसके रिव्यू हैं, किस काम के, किस मॉडिफिकेशन के क्या रिव्यू हैं और उनका क्या बेनिफिट है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।